मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि कल जो हमारे किसान साथी थे कुलदीप सातरोड़, उनकी बेटी ने एक भावुक अपील की हुई थी कि हाँसी के अंदर जो धरना चला हुआ है और उसके पिताजी को दोबारा अगर आंदोलन के अंदर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो उसको न्याय दिलाने के लिए कल सुबह 10 बजे हाँसी जो SP ऑफिस के बाद धरना चला हुआ है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की जो अपील की उसकी, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा और भारी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। अभी कुछ ही किसान पहुँचे मगर भारी संख्या में, जैसा कि पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है कि उनकी आशंका है कि 10 से 15 हज़ार किसान आज हाँसी के अंदर पहुँचेंगे। और वहीं किसानों के लिए एक खुशखबरी भी आई है कि कानून जो कृषि के तीनों काले कानून थे उनको नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने रद्द करने की घोषणा कर दी और साथ में किसानों से एक भावुक अपील भी की कि उन्होंने अपनी गलती को दोहराया है। ना मुआवजा, ना बिजली, ना पानी, सब क्या है का ऐसा काम कर दिया और खेती वक्त ये सारी चीज कई बार पड़ी अपना क्या आज तो कुछ मोदी जी ने लगता है रात की खबर दी है। देखिए एक सकारात्मक पहल हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये किसानों का एक साल का संघर्ष और साथ सबसे ज्यादा किसानों की शहादत न रंग लाना शुरू कर दिया है, ये सकारात्मक पहल हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन तीन काले कानूनों को रद्द करने के साथ साथ भी MSP की गारंटी कानून बने, ये भी हमारी मांग थी और उस मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला करेगा, आगे जो आंदोलन की रूपरेखा रहेगी, आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक दोनों चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। जो बिजली विधेयक 2020 ला रहे हैं उसका भी हम विरोध करते हैं, उसकी वापसी का भी सरकार से अनुरोध करेंगे वो वापस। लेकिन आज के प्रधानमंत्री के बयान से और ऐलान से ये साबित हो गया है कि किसान आंदोलन जायज है, किसानों की मांगें निश्चित रूप से जायज है, ये सकारात्मक पहलू है, इसका हम स्वागत करते हैं। किसान मोर्चा और जो महाराज सदानंद सरस्वती है उनकी टीम हाँसी के अंदर पहुंच चुकी है एक जबरदस्त काफिले के साथ। आप देख सकते हैं महाराज सदानंद सरस्वती है उनकी टीम अब हाँसी के धरने पर पहुंच चुकी है और एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को आज कुछ राहत की खबर मिली है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जी। आज कुछ जो मोदी जी ने कुछ रात की खबर दी है या वैसे ही किसानों को क्या लग रहा है? मोदी जी ने रात की खबर दी, किसानों दुआई है। एक साल हो गया हम नाड़ा बैठे, एक साल हो लिया भाई, और हिम्मत के हिम्मत सारा काम पूरा करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर, तो आप बताइए जो आप कितना टोल से चलकर जो हाँसी धरने पर पहुंचे हैं, आज जैसा कि न्यूज के माध्यम से खबर मिल रही है कि भाई मोदी जी ने कुछ ऐलान किया है और किसानों में उत्साह भी है, मगर जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनका मलाल भी है, तो आप बताइए इसके बारे में। ऐसा है, प्रधानमंत्री ने जो आज ऐलान किया है उसका तो अगर सच्चे दिल से किया है तो हम स्वागत करते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी मांगें रह गई
हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत को हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। जब तक कानून की बात नहीं है, MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी और बिजली बिल वापस नहीं होगा, ये पराली जलाने वाला कानून भी वापस होना चाहिए जो सरकार ने वायदा किया था। हम ये वायदा खिलाफ की सरकार है, इस पर विश्वास तब करेंगे जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद जो हमारा संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा, हम तो उसके अनुपालना में तब तक आंदोलन पर रहेंगे जब तक वो घर जाने का ऐलान नहीं करेगा, तब तक हम यहीं रहेंगे।